नमस्कार, जय सीएलसी। सीएलसी का एक कोटेशन, झोपड़ी बैठी खोपड़ी। कई बार एक कहानियां लगती है, ये लाइनें लगती हैं, लेकिन सीएलसी साहब इनको हकीकत जामा पहनाती है, हकीकत में इसको बदल देती है कि झोपड़ी बैठी खोपड़ियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। आ जाओ, ये हरिओम बुनकर, ये इसका घर है। यहां से लड़का इस कर्मस्थली में आया, तो आज ये लड़का दोस्तों वीएमएमसी में है। कौन हरिओम बुनकर? जमा रामगढ़ के पास बहलोड गांव, एक ऐसी परिवार का बच्चा। घर आपने देखा, ये झोपड़ी आप इसकी देख रहे हैं। 10th का स्कोर 95% गवर्नमेंट स्कूल से, 11th 12th सीएलसी फाउंडेशन से, 12th के साथ सिलेक्ट है केवीपीवाई में, 85% 12th का स्कोर है। 1764 रैंक आती है नीट 2020 में, 665 नंबर आपके आते हैं। एससी भी आपकी रैंक 32वीं है, आप एससी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों केवल बात नहीं करता श्रवण, एक सपना पाला सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना, ये वही तो है। इसके घर में 21 जुलाई को लाइव कर रहा हूं, कल बुधवार को 6:30 बजे सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बात नहीं करती सीएलसी, एक अभियान क्षेत्र का है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके मेरे अपनों के बीच जाके बात कर रहा हूं, क्यों? इसलिए कि हरिओम बुनकर जैसे हरियाणा गांव के जाखड़ परिवार जैसे बच्चे जो डर जाते हैं वहां बैठे कि हम शहर में जाके कैसे पढ़ाई करेंगे, वहां तो खर्चे बहुत होते हैं, वहां हमारा कौन होगा? आपकी सीएलसी है ना यारो, जुड़े सीएलसी से। हर तरह का स्टूडेंट, आप यदि सक्षम है तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीएलसी आराम से आ सकते हैं। और आप सक्षम नहीं भी आर्थिक रूप से तो भी आप आराम से आ सकते हैं। आपका अपना भाई बैठा है, आपका अपना गार्जियन बैठा है, आपके अपने सीएलसी है। डियर 21 जुलाई 6:30 बजे देखना ना भूले। समाज को नई प्रेरणा देने के लिए मैं बहलोड जा रहा हूं, हरिओम के घर जा रहा हूं। आपके इंतजार में हरिओम क्या कहता है, सीएलसी क्या कहती है, आपका पोस्ट क्या कहता है। आओ मिलके एक नई दुनिया बसाएं, इन झोपड़ी बैठी खोपड़ियों को और मौका दें और एक हरिओम बुनकर ढूंढ के लाएं। आप फिर से एक बार अपने सीएलसी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, जय सीएलसी।